यूपी के हमीरपुर जिले के बंदी सुरक्षा में सेन लगाते हुए अस्थायी जेल से एक बंदी फरार हो गया, जिसके बाद कारागार और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और इस मामले में पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करते हुए बंदी की तलाश शुरू कर दी। हमीरपुर जिले के अस्थायी जेल का, जहां बीते दिन ललपुरा थाना क्षेत्र में कुमाहपुर गांव का रहने वाला सूरज नाम का अपराधी मुस्कुरा थाना में एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया था और उसको जिला मुख्यालय के सरदार पटेल इंटर कॉलेज के अस्थायी जेल में रखा गया था, मगर अपराधी ने सुरक्षा में सेंध लगाते हुए रात में खिड़की तोड़कर वो फरार हो गया। जैसे ही इसकी सूचना कारागार प्रशासन और पुलिस को हुई तो खलबली मच गई। स्थानीय कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बंदी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल बंदी के फरार होने के मामले में बंदी की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। ट्रायल प्रिजनर जो है, जिसका नाम सूरज सिंह था, वो अस्थाई कारागार में निरुद्ध हुआ था। तो शाम को अस्थाई कारागार के जो प्रभारी कारापालन द्वारा अवगत कराया गया कि बंदी जो है शाम को गणना में नहीं मिला, गणना के समय अनुपस्थित था। तब पता चला कि एक बंदी जो है एस्केप कर गया है।